आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सूखे हरे मटर की सब्जी लेकर आई हूँ। इनको बनाना बहुत ही आसान है और इस सब्जी के साथ में चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जब भी कभी घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इसे बना सकते हैं, लेकिन जब भी आपको इसको बनाना हो तो कम से कम 6 घंटे पहले आपको इसको भिगो कर रखना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे हरे मटर अच्छे से फूल चुके हैं, मैं आपको इनको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। अब हम इन्हें उबलने के लिए रखेंगे, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन्हें उबालना पड़ेगा। तो मैंने इनका पानी निकाल दिया है, अब हम इन्हें कुकर में डालेंगे। साथ ही मैं लगभग 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ इसमें। और आप अगर हाथ से नापना चाहें ना, तो इसे उंगली से नाप कर देखें, हमें 1 इंच पानी ऊपर रखना है मटर से। 2 टीस्पून नमक हम इसमें डाल देंगे, साथ ही 1 चुटकी हल्दी भी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हल्दी से इनमें बहुत अच्छा कलर आएगा। साथ ही 1/4 टी स्पून सोडा भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैंने सोडा कम डाला है, सोडे की जगह पर मैं यहाँ पर इनको उबालने के लिए कुछ और यूज करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टी स्पून विनेगर। विनेगर से ये बहुत अच्छे से उबल जाते हैं और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए आप एक बार सोडे की जगह सोडा तो डालें ही, लेकिन इसमें विनेगर भी डालकर इन्हें उबाल कर देखें। और स्लो गैस पर कम से कम 6 सीटी लगानी है हमें इसमें। तो चलिए, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इमली को भिगो कर रखेंगे, क्योंकि मटर में जब तक इमली नहीं डलती, जब तक वो अच्छी नहीं लगती। इमली को अच्छे से धो लेंगे। यहाँ मैंने लगभग 2 टेबल स्पून इमली का यूज किया है, और इसको भिगो कर रख देंगे हम लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाएगी। साथ ही में हम लेंगे 2 प्याज मीडियम साइज के और 4 टमाटर। यहाँ पर मेरे पास में 1 टमाटर बड़ा है और 3 टमाटर छोटे हैं। प्याज को हम चॉप करके यूज करेंगे और टमाटर को ग्राइंड करके। तो मैंने सारे टमाटर जार में रख लिए हैं, साथ ही 2 हरी मिर्च, 1 इंच का एक अदरक का टुकड़ा, और साथ ही में 6 से 7 कली लहसुन की डालेंगे। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। सब्जी को एक अच्छा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पर चुकंदर का यूज किया है। चुकंदर हम बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 पीस डालेंगे, इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए, अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने टमाटरों को ग्राइंड कर लिया है, और अभी आप देखिए इनका कलर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। चुकंदर से लाल टमाटर की टेंशन भी खत्म हो जाती है। अगर आपके पास में लाल टमाटर नहीं है, तो आप किसी भी सब्जी को एक अच्छा कलर दे सकते हैं थोड़ी सी चुकंदर डालकर। अब हम इसे साइड में रख देंगे। साथ ही देखिए, मैंने यहाँ पर प्याज भी बारीक चॉप कर ली है। आप मटर जब भी बनाएं, प्याज को बारीक चॉप करके ही डालें, इससे प्याज बहुत अच्छी लगती है। और इधर हमारी कुकर में भी लगभग 6 सीटी आ गई हैं। अब हम इसे एक बार खोल के देखेंगे कि हमारे मटर कैसे उबले हैं। तो देखिए, मटर में अच्छे से उबाल आ गया है, और हमारे कुछ मटर गल गए हैं और कुछ थोड़े से कड़क हैं। हमें ऐसे ही मटर की जरूरत है। अगर पूरी तरह से मटर घुल जाएंगे ना, तो वो मटर की सब्जी भी अच्छी नहीं लगती है। करछी से थोड़ा सा इनको मैश कर लेंगे। और देखिए, इधर हमारी इमली भी अच्छे से फूल गई है। अब हमें इसका पल्प निकालना है। तो इमली का पल्प आप निकाल कर स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, या फिर आप उसी समय निकाल सकते हैं जब आपको सब्जी बनानी हो। तो चलिए, अब हम लगाते हैं मटर की सब्जी के लिए बघार। तो यहाँ पर लगभग मैंने 4 टेबल स्पून तेल कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था। 1 चुटकी हींग, 1/2 टी स्पून जीरा, 1/2 टी स्पून सौंफ, और साथ ही खड़ी लाल मिर्च ली है मैंने 2। उनको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। मसाले अच्छे से सिकने लगेंगे, तो जो हमने बारीक चॉप करके प्याज रखी थी, वो पूरी प्याज हम इसमें डाल देंगे। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी आप ज्यादा ही रखें, मटर में प्याज बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और ये सब्जी जब बन जाती है ना, आप ऊपर से भी इसमें प्याज और सेव डाल के खाएंगे ना, सेव मतलब नमकीन, तो भी ये मटर बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी, तब हमने जो टमाटर की प्यूरी बनाकर रखी थी, वो हम इसमें डाल देंगे। अब हमें टमाटर को अच्छे से पकाना है, जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ देते हैं, और इनको बीच बीच में चलाते रहें। साथ ही में नमक डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने 1 टी स्पून नमक डाला है, क्योंकि हम मटर में भी पहले नमक डाल चुके हैं। साथ ही 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। धनिया पाउडर से भी इसमें बहुत अच्छी तरी आ जाती है। साथ ही मैं यहाँ पर 1/3 टी स्पून तीखी वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ। इससे सब्जी में टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटर की प्योरी में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से किसी भी सब्जी में बहुत अच्छा कलर आ जाता है, इसीलिए जब भी आप किसी भी चीज को कुक करें, तो उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालना कभी भी ना भूलें। सभी चीजों को चलाते हुए पकाएंगे। और अब हम इस टमाटर की प्यूरी को लगभग 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे।
तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं और टमाटर कितने अच्छे से पक गए हैं, और देखिए टमाटर का कलर भी कितना अच्छा हो गया है। जब टमाटर की ग्रेवी तेल छोड़ देगी ना, तो उसके बाद जो हमने इमली का पल्प निकाल कर रखा था वो भी हम पूरा इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने इमली को गर्म नहीं किया था तो इसे भी पकाना जरूरी है। इमली के बाउल को धोकर मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दिया है। अब हम सभी चीजों को फिर से मिक्स करेंगे और लगभग 1 मिनट के लिए फिर से इसे ढककर पकाएंगे, जिससे कि टमाटर की प्यूरी अच्छे से तरी छोड़ दे। तो देखिए 1 मिनट हो गया है और देखिए कितने अच्छे से तरी इसमें ऊपर आ गई है। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी तो जो हमने मटर उबाल कर रखे थे ये सारे मटर हम कढ़ाई में डाल देंगे। इस तरह के मटर बनाकर आप फुल्की पानी पूरी के साथ भी इसका मजा ले सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। टमाटर की ग्रेवी को और मटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इन्हें फुल्की या फिर पानी पूरी के साथ में यूज करना चाहते हैं तो इनको इतना ही थिक रखें, लेकिन अगर आप इन्हें रोटी और चावल के साथ में खाना चाहते हैं तो हम इसमें पानी मिलाएंगे। मैं आज इन्हें चावल के साथ में यूज करने वाली हूँ और रोटी के साथ यूज करने वाली हूँ, तो मैं इनमें थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ। पानी मिलाने के पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपको जब भी मटर में या छोलों में या किसी भी दाल में पानी मिलाना हो तो पानी गर्म ही यूज करें, इससे आपकी सब्जी अच्छी रहेगी, पानी और दाल सब्जी अलग अलग नहीं होगी। तो देखिए मैंने पानी डाल दिया है मटर में और मिक्स भी कर दिया है। अब हम इसे ढककर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए लगभग 4 मिनट हो गए हैं और तरी भी हल्की हल्की ऊपर आ गई है। फ्रेंड्स, मेरी सब्जियों में हमेशा जब भी मैं खाना कुक करती हूँ ना, तो बहुत कम तरी आती है ऊपर, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती हूँ बहुत कम घी तेल का यूज करती हूँ। तो आप भी कोशिश करिएगा घी तेल का यूज कम करिएगा। और यहाँ पे मैंने लगभग 2 टीस्पून शुद्ध घी डाला है। शुद्ध घी से इन मटर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप पानी पूरी के साथ इन्हें यूज करने वाले हैं ना, तो इनमें शुद्ध घी ना डालें। मटर अच्छे से बन के रेडी तो हो गए हैं, लेकिन मैं इन्हें 1 मिनट के लिए मीडियम गैस पर और पका रही हूँ, जिससे कि मटर और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 मिनट हो गया है और देखिए हमारी मटर की सब्जी बन के रेडी भी हो गई है। और देखिए फ्रेंड्स, आज तो मैंने मटर को सर्व करके भी रख लिया है, साथ ही हम ऊपर से डालेंगे इसमें शुद्ध घी। आप चाहें तो इसमें शुद्ध घी और खड़ी लाल मिर्च का बघार भी डाल सकते हैं। हरा धनिया मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऊपर से, जिससे कि ये सब्जी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, क्या आपके यहाँ भी ये हरे मटर आते हैं और आपके यहाँ इन्हें क्या कहते हैं, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इन्हें सूखा हुआ बटला या फिर सूखे हुए हरे मटर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये सूखे हरे मटर की सब्जी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आप ये मटर किस तरह से बनाते हैं। ऐसी ही नई नई वीडियो में मेरे चैनल पर लेकर आती रहती हूँ, जिसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो कल मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।